गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ऑसम अग्नियोत्रीज के व्लॉग में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और मैं शिल्पा और ईशु आज अभी बाहर जा रहे हैं। मैं नीचे ऑलरेडी आ गया था। मैंने कहा जब तक ईशु और शिल्पा आ रहे हैं तो क्यों ना चंद बातें आप लोगों से कर ली जाए, क्यों ना आप लोगों को आज का प्लान ऑफ एक्शन बता दिया जाए। हम लोग आज जा रहे हैं टाउन की तरफ अपने दोस्तों से मिलने, और हम में से मतलब हमसे तो कम लोग मिलना चाहते हैं, सबके सब ईशु से मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्या थोड़ी बहुत मस्ती हम लोग करके आएंगे। तो वहाँ पे जो भी होता है हम लोग थोड़ा बहुत शूट करेंगे, और लेस ऑफ टॉकिंग मोर ऑफ मोमेंट्स टुडे विद म्यूजिक। सो आई होप यू गाइज एंजॉय इट। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। जितनी माएँ हैं आप सबको ऑसम अग्नियोत्रीज की तरफ से वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। आप लोग ऐसी कृपा, आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे हमें हमारे ऊपर बनाए रखें। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग स्लैश मूड्स। तो अभी अभी फ़ोन पे बात हुई, शिल्पा इशू को तैयार करा रही थी, बस अब वो नीचे आने वाले हैं। बस आई थिंक अनदर टू मिनट्स टू फाइव मिनट्स आई थिंक वी विल स्टार्ट अ जर्नी, और फिर आपके साथ जो भी है बातें करते रहेंगे, मस्तियां मारते रहेंगे साथ में। प्लिस्ता और हॉलीवुड आपको दिख रहे होंगे दूर से। मैंने कहा होली के जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये शूट इतना तो बनता है कि भैया थोड़ा वेट इंतजार कर लो और प्रॉपरली हॉलीवुड को दिखाओ। राइट गाइस, ये आ रहा है हॉलीवुड, और अभी शिल्पा भी आने वाली है नीचे। अगर शिल्पा को देख लिया हॉलीवुड ने नीचे तो समझ लीजिए सबके बैंड बाजे बज जाएंगे। अरे शिल्पा और ईशु इस वक्त आ चुके हैं, और शिल्पा ने उसकी बैचलेट उठाई हुई है, विच इज प्रीटी हैवी। चलिए मैं दरवाजा खोलता हूँ, आप लोगों से बातें करते हैं। लव यू ऑल, बाय। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ईशानी कनु अग्निहोत्री और ईशानी कनु अग्निहोत्री की मम्मी दोनों इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। थोड़े से डेज में है अभी इस वक्त, क्योंकि अभी अभी सो के उठी है, और जब ईशु सो के उठती है तो ईशु की आंखें ऐसी रहती हैं, कि कौन है तुम लोग, कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो, है ना ईशु। बट आई एम श्योर आफ्टर टू मिनट्स ईशु विल बी एब्सोल्युटली फाइन, शी गो बैक टू हर सेल्फ, स्माइली सेल्फ, राइट। तो आज मैंने इन सबको बताया कि हम लोग टाउन जा रहे हैं गुड़िया, और आज का व्लॉग कम मोमेंट्स ज्यादा हैं, है ना। कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड्स जो मिलना चाह रहे थे ईशानी से, तो हमने कहा चलो आज ईशानी को भी लेके चलते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं वहां पे। और तो लेस टॉकिंग मोर ऑफ मोमेंट्स विद म्यूजिक, है ना। चलो, और रास्ते में अगर आपका मूड करे तो आप कुछ अपडेट कर देना, ठीक है। लेट्स गो गाइस। हाय हाय यू। सो आज मेरे लिए तो डबल वैमी है, क्योंकि आज मदर्स डे है एंड टेक्निकली इट्स द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई थिंक इससे बड़ा दिन अब मेरे लिए मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। आई वाज ऑलवेज अ मदर टू हॉली, बट हॉली के साथ साथ अब मेरे पास बेबी नंबर टू भी आ गई है। सो दिस डेफिनेटली इज द बेस्ट डे ऑफ द ईयर फॉर मी। एंड आज ईशु का सेवेंथ मंथ बर्थडे भी है, सो विच इज वाई एज पेरेंट्स डबल वैमी फॉर अस, जैकपॉट वाला दिन है हमारे लिए। और ये डबल वैमी वाला दिन सेलिब्रेट करने के लिए अपूर्व मुझे और ईशु को लेकर जा रहे हैं टाउन, हमारे घर से कुछ काफी दूर एक्चुअली। हमारे बहुत पुराने और प्यारे फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मिलने एंड जस्ट लंच आउटसाइड ट्रीट। इच्छा थी कि होली को भी लेकर जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है पिछले तीन चार दिनों से बॉम्बे में, इतनी ज़्यादा गर्मी कि हम मतलब पेट्स आर गोइंग क्रेज। हम अगर पागल हो रहे हैं तो आप सोचिए हमारे फोर लेगेड बेबीज कितने परेशान हो रहे होंगे। तो सोनू ने यही बोला कि लेट्स नॉट यू नो उसको और गर्मी में बिठा के बेचारे को पागल नहीं करते, घर में एसी में बैठे रहने दो। विच इज़ वाई हमारा चौथा खिलाड़ी इज नॉट देयर विद अस टुडे बिकॉज ऑफ द हीट। बट आपकी गुड़िया लानी है या इछी लानी, जिसका सेवेंथ मंथ बर्थडे है, शी इज बिकमिंग अ बिग गर्ल, शी इज बिकमिंग अ गॉर्जियस गर्ल, शी इज बिकमिंग एन अमेजिंग गर्ल। विश भी किया है उसको सेवेंथ मंथ का, तो ओह यू आर रियली
ही विश किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू टू देम. आप दिस ट्रूली शोज आप लोग कितना सिर्फ बोलने के लिए हम लोग फैमिली नहीं है एक दूसरे के लिए. The fact that you remembered that it's a seventh month birthday without us telling you guys, it truly means कि आप लोग कितना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देते हैं हमें. Love you guys, यार. I mean, to each one of you who wished Ishu and to each one of you who's every day giving her so much love, we love you. Imagine कीजिए कि मैं अपूर्व Ishu हॉली आप सबको खूब सारी puppies और खूब सारी लिकीज दे रहे हैं. We love you guys so much. You too. Boo. Boo. Ishu. Ishu. Boo. Hi. Hi. किसी नींद में सी है ना. Hi. Hi. Hi, Ishu. Hey, Ring Zing. मैं बस देख रही है, एक टक देख रही है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. इशू, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ यार. इशू, हाँ. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इशू जी इस वक्त सो रही हैं और हम लोग जो है बोली सीरिंग पे आ रहे हैं. छोटा भाई, ले आंगे रे पिक्चर. इशू भाई, जरा पिक्चर विद ईशानी. तो इशु जो है अभी अभी सो के उठी और इशु से मिलने, आपका नाम क्या है? वेदांत. हाँ, इशु से मिलने वेदांत है जो हमारी फ्रेंड का नेफ्यू है और इशु के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो वेदांत लाया है. गिफ्ट है ये वाटर बॉटल. सो थैंक यू सो मच वेदांत एंड गॉड ब्लेस. एंड मजा आया आपको इशू से मिलकर? इशू, वेदांत, यू कैन गिव हर अ किस. शी डिडंट पुट हर चीक्स. यू कैन, यू कैन. इट्स ओके, शी लुक्स लाइक अ डॉल, बट शी नॉट अ डॉल. अरे वाह भाई, चीक भी पुल हो गए इशू के. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे वाह, अरे यार, दिस इज द स्वीटेस्ट क्यूटेस्ट थिंग आई हैव सीन इन अ लॉन्ग 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 टाइम. थैंक यू सो मच वेदांत. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वेदांत. आई लव यू यार.
Thank you.